खटखट का वासी से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले। साहब हमारे शर्मा रहे, अरे बोलो भैया, अरे बोलो। जो सही कह रहा हूँ ना, तो आइए प्रेशर पे चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, राइडर ऑफ काशी में स्वागत है। और मैं हरिद्वार से लौट रहा था दिल्ली के लिए, तो रास्ते में मुझे एक कोलू मिला और वहाँ पे जो है गन्ने के रस से जो है आपका गुड़ बनाया जा रहा है। तो गुड़ की कैसे मेकिंग होती है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, हमारे भाई एक मिले हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है गुड़ बनाने की, वो जानते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे इनका गन्ना स्टॉक में रखा है अपने, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएंगे। ये गन्ना है इनका जो डायरेक्ट खेत से आता है और इसकी मदद से जो है ये आपका, ये देखिए अभी भी रस काफ़ी निकल रहा है। तो अभी चलते हैं क्रशर पे, क्यों सही कह रहा हूँ ना, तो आइए क्रशर पे चलते हैं। और क्रशर से जो है गन्ने को जो है पेरा जा रहा है और पेरे जाने के बाद यहाँ पे रस निकल रहा है जिसका हम उपयोग करेंगे किसमें, गुड़ बनाने में। तो कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे ला के दिखाएँ जरा। तो आइए देखते हैं, हमारा ये गन्ने का रस निकल रहा है और नौसाद भाई हमारा साथ दे रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से निकल रहा है, ये इनका क्रशर है। और ये यहाँ पे चाचा नमस्कार, तो चाचा बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठंड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जहाँ पे ये जूस पहुँचता है। तो दोस्तों जब रस निकल जाता है तो उसकी एक खोई बचती है, तो इस खोई का उपयोग क्या करते जानते हैं, डबल मेहनत होती है इसमें, डबल काम होता है। इसको पहले सुखाते हैं, तो कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएं, वहाँ पे वो सुखाया जा रहा है। और सुखाने के बाद जो है इसको जला दिया जाता है, यानी कि इको फ्रेंडली है। इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है, ना ही इसका जो है कोई नुकसान होता है, ये जलाने में काम आ जाता है। तो एक पंच दो काज हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब हमारा रश कहाँ पहुँचा। यहाँ पे जूस आ चुका है, थोड़ा सा आपको दोस्तों देखने में वैसा लग रहा है लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, आगे पूरी सफाई होती है। तो आइए फिल्टर होता है, तो आइए दिखाते हैं आपको। इस पाइप के माध्यम से हमारा जो है गन्ने का रस जा रहा है और ये जाता है रस निकलने के बाद। ये देखिए हमारा जो है रस जाना शुरू हो गया, ये पहली नाद है। यहाँ के बाद जो है अब हमारा फिल्टर होगा, फिल्टर इसमें होता है। तो ये देखिए वहाँ से गर्म होने के बाद इसमें ट्रांसफर किया जाता है, वो देखिए बुलबुले निकलने लगे क्योंकि रस आ रहा है। और उसके बाद इस वाले माद में डाला जाता है और यहाँ पर जो है थोड़ी सफाई होती है। और सफाई होने के लिए यहाँ पर कुछ नेचुरल तरीका अपनाते हैं। तो आइए नौशाद भाई से बात करते हैं। नौशाद भाई वो आपको दिखा रहे थे वो फिल्टर करने के लिए, वो थोड़ा लेके आइए दिखाई। और ये दोस्तों वो सुखलाई है जिसको मैं बार बार कह रहा था कि इसी की मदद से जो है जो उसमें गंदगी रहती है जो कलर को हटाया जाता है और ये सुखलाई है उसको मदद करता है और आपके रस को साफ करके आपके घर में खाने के लिए गुड़ को बनाता है, तैयार करता है। तो दोस्तों वो सुखलाई है, बिना केमिकल के बनाते हैं, तो सुखलाई की मदद से जो है सुखलाई का रस निकाल के बनाते हैं। तो नौशाद भाई हमारे घर में आगे ये देखिए, आइए कैमरामैन थोड़ा सा आगे। तो ये सुखलाई है, सुखलाई का रस निकाला गया है। फिल्टर होता है, जो गंदगी रहती है वो कटती है रस से, उसके बाद क्या बनता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहली कढ़ाई में रस था, दूसरे में यहाँ पे रस के गंदगी को काटा गया, तीसरी में थोड़ा सा उसको पकाया गया, यहाँ भी गंदगी को छाटते हैं और चौथे में जो है हमारा गुड़ बनता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये गाय भैंसों को ये खिलाया जाता है, ये वो गंदगी इकट्ठा करके। तो ये देखिए आपकी सफाई चल रही है और जो थोड़ा सा फिल्टर हो चुका है, यहाँ पे दो बार फिल्टर किया जाता है, आप देख सकते हैं। एक दो तीन चार, चार नाद है, चार नाद है। दूसरे में भी आपका फिल्टर हो चुका, जो रस है उसको अब ट्रांसफर किया जा रहा है तीसरे वाले में। ये तीसरा हमारा नाद है जहाँ पे ये फिल्टर हो चुका है और ये आपका असली वाला है जहाँ पर हमारा गुड़ अब तैयार हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे उबाल आ रहा है, मैं भी आपको भट्टी भी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है ले जाकर हम उसमें ले जाएंगे जहाँ पे आपका प्रॉपर गुड़ बनेगा और थोड़ा सूखेगा, ठंडा होगा, फिर मैं आपको गुड़ की लोई भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं जहाँ पे इनका जो भट्टी है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये खोई हमारी आपका जलावन का काम आती है, तो ये सूख चुकी है, अगर आप चाहे तो देखें वो अभी वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरल तरीके से जो है आपका गुड़ बन रहा है और यहाँ पे कोई केमिकल मिलाया नहीं जाता है और जो जलावन है हम उसी का उपयोग करते हैं कढ़ाई को गर्म करने के लिए। तो ये देखो दोस्तों यहाँ से फिर जो है इस कढ़ाई में आ गया और यहाँ पे जो है हमारा गुड़ पक के तैयार हो रहा है। अब इसके बाद जो है भैया यहाँ से निकालेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद गुड़ की पिंडी बनेगी। तो दोस्तों कई स्टेज के बाद गन्ने के रस को जो है सफाई करने के बाद लास्ट वाली कढ़ाई यानी कि चौथी कढ़ाई में जो है वहाँ पे पकाया गया कि पिंडी बनेगी। तो मैं अभी आपको पिंडी भी बनता हुआ दिखाऊंगा, तो थोड़ा कैमरा मैन घुमाऊंगा, थोड़ा सा आगे आइए और इसके टेक्सचर को दिखाइए। तो ये देखो दोस्तों अब हमारा जो है गुड़ जमना शुरू हो गया है और इसके बाद जो है भैया इसको जो है इकट्ठा कर फिर इसकी पिंडी बनाने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारा गुड़ तैयार हो रहा है और चंपू की मदद से जो है हमारे शहजाद भाई और उनके मित्र जो है गुड़ बना रहे हैं। ये देखिए और ये सूखना शुरू हो चुका है, बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है इसको छुटाने के लिए क्योंकि ये आपका इसमें जो मीठापन है बहुत ज़्यादा रहता है तो ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। देखो दोस्तों फाइनली हमारा जो गुड़ है वो अब ठंडा होके जम चुका है, अब इसकी पिंडी बनाना बाकी है। दोस्तों इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं ताकि थोड़ा और ये टाइट हो जाए। पिंडी बननी शुरू हो चुकी है, हल्का सा पानी लगा लेते भैया ताकि चिपचिपा ना हो उनका हाथ और ये प्यार से पिंडी हमारी बन रही है। तो दोस्तों अब हमारा जो है गुड़ रेडी हो चुका है, ये इसकी पिंडी बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल गन्ने का रस है। और ये देखिए दोस्तों गुड़ बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे और तैयार होने के बाद जो है ऑर्डर पर पैक भी किया जाता है, तो अभी ये पैक हो चुका है। दोस्तों ये मेरा गुड़ बन के रेडी हो चुका है काफ़ी मेहनत के बाद, तो मैं इसे खाने जा रहा हूँ, मैं एक ही बार में खाऊंगा क्योंकि हल्का गर्म है और मुलायम है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। ये गुड़ मेकिंग का वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। जो है घटघट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी, और आपको क्या करना है शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो बाय बाय बात कर ले। तो ये ठेकेदार साहब है हमारे, शर्मा रहे, अरे बोलो भैया, अरे बोलो। तो चलिए कोई नहीं, ये भैया बता रहे हैं। तो ये कब से आपका यहाँ पे चल रहा है? अक्टूबर महीने से दोस्तों चल रहा है और ये मई तक चलेगा, मई तक चलेगा। तो अभी आप दिन भर में कितना क्विंटल बना लेते हैं? देखो दोस्तों एक घंटे में एक क्विंटल का टारगेट रहता है, हालांकि थोड़ा सा जब गर्मी आ जाती है तो और ये टारगेट बढ़ जाता है और सीधा ये जाकर जो है मंडी में बिक जाता है, ऑर्डर का माल रहता है इनका। तो अभी ठंडी की वजह से ये एक घंटे में एक बनाते हैं, शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है तो एकदम परिवार वाला माहौल यहाँ पे बना के रखते हैं ये सारे भाई हैं। और मेरे को बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, कि अब अगर कभी आप रुड़की बाईपास से होके नीचे जाते हैं तो मंगलोर इस जगह का नाम है, आपको धुएं की लपटें और भीनी भीनी खुशबू गुड़ की आती रहेगी, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे, आप लाइव देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे। शाबाश बेटा।